साथियों, दशकों तक कांग्रेस ने देश को अपने ही तरीके से चलाया है। उसने अपने वर्षों के शासन में भरपूर मलाई खाई, भरपूर मलाई खाई, अमूल वाली नहीं, कागज वाली। और खाई इतना ही नहीं, अपने राग दरबारियों को भी खिलाई। और जिन्होंने मलाई खाई है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो भी वो पूरा अपना कर्ज चुका रहे हैं। इन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस झूठ का एक ऐसा तंत्र चला रही है। मैं आपको इनके काम करने के तरीके बताता हूं। मैं जब गुजरात में था तब भी यही खेल खेलते थे। अब मैं दिल्ली गया, इनकी एक ही उनकी मोडस ऑपरेंडी है, एक ही मोडस ऑपरेंडी। क्या करते हैं, सबसे पहले, आपके पास समय है ना, आराम से बोलो ना, आज मेरा भी मन कर रहा है यार। आपका इतना प्यार है मैं कैसे जाऊं। सबसे पहले ये लोग आपस में मिली भगत करके किसी मलाई खाने वाले के यहां एक झूठा मूठा आर्टिकल तैयार करवाते हैं, फिर कोई ऐसे ही मिल जाए उसके यहां छपवा देते हैं, और उसमें जब छप जाता है तो उसको लेकर के दुनिया में पहुंचाते हैं, उस आर्टिकल को पहुंचाते हैं, प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं, कुछ मीडिया वाले भी उठा लेते हैं, अखबार वाले भी उठा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे दिन वो उन मुद्दों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितनी गालियां दे देते हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, बता देते हैं भाई फलाने अखबार में छपा है, अखबार कौन है, क्या है, कितना सर्कुलेशन है, कोई लेना देना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छपती है, फिर वो एक किसी को ढूंढ के ले आते हैं, उसको कहते हैं यार पीआईएल करो कोर्ट में, एक पीआईएल करवा देते हैं, और पीआईएल होती है तो तीन चार दिन उसकी बहस चलती है, और कांग्रेस के बड़े बड़े वकील ऐसे कोई अनामी व्यक्ति के लिए जाकर के कोर्ट में काला कोट पहन के खड़े हो जाते हैं, और इसके बाद जैसे ही पीआईएल पर सुनवाई शुरू हो जाती है कांग्रेस उस मुद्दे को और ज्यादा उछालने लगती है। ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी, ये पूरी पैटर्न है कांग्रेस का। जब हम गुजरात में चुनाव लड़ते थे हर बुधवार को एक खेल शुरू होता था और अगले मंगलवार तक चलता था। आजकल दिल्ली में सप्ताह में दो बार ये खेल खेले जा रहे हैं, और कुछ लोग मलाई खा खा करके जो मोटे हुए हैं वो उनकी कुर्निश करने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में देखो कई विषय आपको मिलेंगे, कांग्रेस के कई झूठ आपको मिलेंगे जो ऐसे ही तैयार किए गए, ऐसे ही उनका ढिंढोरा पीटा गया। हर कुछ हफ्तों पर कांग्रेस का ये इकोसिस्टम नए विषय उछालने लगता है, और इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा झूठ आजकल सोशल मीडिया में डाल देते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस के तो आप पहचानते ही है, उसके दरबारियों को, कांग्रेस से मलाई खाने वालों को भी पहचानने की जरूरत है। पहले मोदी के विरोध में वे आए दिन गुजरात को बदनाम करते थे, यहां तक जैसे गुजरात हिंदुस्तान में है ही नहीं ऐसा बर्ताव कर रहे थे, गुजरात को दुश्मन बना दिया था कांग्रेस ने। और अब जब मोदी भारत की सेवा करने में लगा है तो मोदी का विरोध करने में वो सीमाएं लांघ करके भारत का विरोध करने लग गए हैं। भाइयों, भारत को बदनाम करने लग गए हैं। ऐसी कांग्रेस को कोई देशभक्त माफ कर सकता है क्या?